हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल आर वेल। सो वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विन अवनीका। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करिए और हमारे चैनल ट्विन अवनीका को सब्सक्राइब करिए। और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए फ्रेंड्स। तो हम फिर से आ चुके हैं आपके सामने नया वीडियो, नया ब्लॉग लेकर। तो आज जो भी हम करेंगे हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए बिना कुछ देर किए हम स्टार्ट करेंगे अपना वीडियो। ये देखिए, हम इस तरह से मैं वॉक करके आ चुकी हूँ। फूल भी मैं लेके आ गई हूँ। तो अब मैं इसको जो है इस प्लेट में तरह से ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। और फिर क्योंकि जैसे कि सभी को पता ही है कि गणेश जी बैठे हुए हैं तो माला बनाना है। तो चलिए अब हम बैठ के सबसे पहले बनाएंगे माला, फिर हम दूसरे काम करते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने सारे फूल इसमें कर लिए हैं और सभी कुछ मैं लेके आती हूँ सभी भगवानों के लिए। ये देखिए, दूबा है गणेश जी के लिए और बेलपत्र भी लाती हूँ शंकर जी के लिए, डेली ही चढ़ाते हैं हम। तो ये देखिए, इस तरह से ये बेलपत्र भी लाए हुए हैं। तो ये फूल लेके आए हैं। तो चलिए अब हम बना लेते हैं इस फूल इन फूलों से गणेश जी के लिए माला। जब मैं वॉक पे जा रही थी तो मॉर्निंग में मैं उठ के सबसे पहले पीती हूँ ये देखिए काली चाय, इस तरह से रहती है ये। फिर अभी बस मैंने अमन को भी उठा लिया है, साथ ही साथ उसके भी स्कूल का टाइम हो रहा है। इसको मैंने अभी सर्दी हो गई थी इसको, तो उस कारण से अभी स्कूल नहीं भेजा था। अभी अनिका को भी सर्दी हुई थी तो उन दोनों को भी स्कूल नहीं भेजा था, अब आज भेज रही हूँ। तो ये देखिए, उसको उठा लिया है। तो वो इस तरह से अब मैं ये वाली चाय बना ले रही हूँ और फिर हम उसके बाद जो है साथ ही साथ मैं माला भी बनाते जा रही हूँ। तो चलिए चाय मैं अमन को दे देती हूँ और ब्रेकफास्ट कर ले जिससे वो अपना। देखिए, इस तरह से अमन की और मैंने अपनी चाय छान ली है। तो चलिए अब मैं अमन को दे देती हूँ, वो चाय बिस्किट खाता है। तो चलिए हम लोग अभी चाय पी लेते हैं। मैं चाय अभी थोड़ी ठंडी होने के बाद पीऊँगी, तब तक मैं बना लेती हूँ अपनी माला। गणेश जी की माला इस तरह से बन चुकी है। तो इस तरह से बीच में मैंने ये गेंदे के फूल भी लगाए हुए हैं, नीचे जासून का फूल लगाया हुआ है, ये रेड वाला, पिंक वाले। तो ये देखिए, कितनी ही प्यारी माला हमारी जो है गणेश जी के लिए बन चुकी है। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारे हॉल की विंडो में इस तरह से जो है चिड़ियों ने अपना नेस्ट बना के रखा हुआ है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये चिड़िया बैठी हुई है छोटी सी, और एक चिड़िया जो है वो अपने मतलब यही घोंसले में बैठी हुई है। तो वो भी अभी आएगी बाहर निकल के, तो मैंने कहा आपको मैं दिखाती हूँ इस तरह से। ये देखिए, हम इस जो ये नेस्ट ये बना रहे हैं, इसको कई बार हम हटा चुके हैं लेकिन ये फिर से बना लेते हैं ये लोग। ये देखिए, दूसरी चिड़िया भी आके इस तरह से बैठ चुकी है, ये बार बार अंदर जा रही हैं, बाहर आ रही हैं। फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने माला बना ली है और अब मैं पीऊँगी चाय जो ठंडी हो चुकी है। और ये अमन भी बैठा हुआ है, तो अमन ने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है। सर्दी से थोड़ा हाल बेहाल है, पर एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं 19 से, तो थोड़ा जाना भी ज़रूरी है। क्या बात बता दे स्कूल में टीचर्स, क्या मतलब पढ़ा दे, तो इसलिए उसको आज मैं अब भेज रही हूँ। ये है ये, कल ही देखिए किराना भी कल रात में आया हुआ है। तो अभी ये भी मुझे सही से सब कुछ जमाना है, किस चीज़ को कहाँ रखना है वो मैं अभी रखूँगी। तो सबसे पहले तो हम ये लगा लेते हैं अपनी मशीन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मॉर्निंग में तो हम मशीन लगा लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहले मैं ये लगा लेती हूँ
और फिर हम दूसरे काम करेंगे। इस तरह से इसका कवर हटा लेते हैं हम। देखिए मैं मशीन में पानी भर लेती हूँ। ये देखिए मशीन में पानी भर लेते हैं और जब तक जो घर की हालत बहुत ज़्यादा जो खराब होती है रात में, जिस तरह से ये देखिए कुछ भी कहीं भी रखा रहता है इन लोगों के मम्मी निका जो खेलती हैं तो रात में इसी तरह से फैला के वो छोड़ देती हैं, तो मैं अब जो है थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ। डस्टबिन से मैंने इस तरह से कचरा जो है ये गार्बेज वाले जो बैग्स आते हैं इस तरह के, उसमें मैं डाल के रख देती हूँ बाहर, और जिससे वो जब आता है गार्बेज वाला तो वो लेके उठा के सीधे चला जाता है। तो चलिए मैं इसको ये अब बाहर रख देती हूँ। तो अमन के कपड़ों में, उसकी ड्रेस में तो मैंने प्रेस कर दिया था और वो जो है अब रेडी हो रहा है, तो मैंने कहा अब साथ लगे ही हाथ, साथ ही साथ में मैं अवनी और अनिका की ड्रेस में भी प्रेस कर देती हूँ, जिससे उनको भी, क्योंकि अमन जाएगा और बस उनको मैं उठा के रेडी करूँगी। तो चलिए हम उनके कपड़ों में भी प्रेस कर देते। तो आज जैसे कि वेनसडे है तो आज इनका रहता है वाइट ड्रेस और ऑरेंज कलर का शर्ट, और अमन का भी आज जो रहता है वो कलर ड्रेस, कलर नहीं मतलब हाउस ड्रेस पहन के वो भी जाता है, तो उसका रहता है रेड शर्ट और ब्लू नेवी ब्लू कलर का लोअर। तो इस तरह से चलिए अमन का तो रेडी हो ही रहा है, अमन रेडी होता जा रहा है, तो मैं इन लोगों की ड्रेस में फटाफट से प्रेस कर लेती हूँ। देखिए अमन जो है जा रहा है, हाँ बाय। अमन गया, जब तक ये देखिए मैंने जो है अपना किराना भी है पूरा जमा लिया है, और अब जो है हम अमन को बाय कर देते हैं पहले, तो फिर उसके बाद हम अवनियनी का कोट आएंगे। स्टैंड उतार, हाँ बाय। 11 बजे जाते ना टिफिन देना, बाय। फ्रेंड्स अमन अब जा चुका है, तो अवनी अनिका को उठाने के पहले मैं सबसे पहले तो ये जो कपड़े हमारे धुल गए हैं हम इनको टेरेस पे फैला के आ जाते हैं, फिर मैं आके अवनी अनिका को उठाऊंगी और उनको रेडी करूंगी। तो चलिए हम टेरेस पे चलते हैं। अवनी और अनिका उठ चुकी हैं, दोनों का ब्रश हो चुका है पर नींद भरी हुई है। अनिका थोड़ी सी फ्रेश है, अनी बिट्टू मत बजा, हाँ ये देखिए अनी उठ गई है हंसते हुए, और अवनी को भी नींद ही है, देखिए अवनी अभी सो ही रही है, ब्रश कर लिया है पर नींद भरी हुई है अभी। तो चलिए अब मैं इन लोगों को रेडी कर लेती हूँ, फिर हम आपसे मिलेंगे। देखिए अवनी अनिका हो गई है रेडी और वो स्कूल जाने वाली है, चलो बाय अवनी अनिका, चलो अब हम इनको छोड़ के आते हैं।
तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं अवनिका को स्कूल से, मतलब स्कूल में छोड़ के आ चुके हैं। अब हमको थोड़ा सा मार्केट जाना है क्योंकि इस संडे हम मार्केट नहीं जा पाए थे, सब्जी नहीं लाए थे, बारिश भी हो रही थी और रखी भी थी थोड़ी थी, तो इसलिए हम नहीं गए थे संडे। तो आज वेनसडे है, आज भी मार्केट लगता है, तो चलिए हम आज थोड़ा सा मार्केट करके आते हैं। फिर फ्रेंड्स अब हम मार्केट से आ चुके हैं और अभी वो जो बता अमल के लंच का टाइम हो गया, तो उसके लिए मैंने जल्दी जल्दी से ये देखिए पोहे के कटलेट बना लिए हैं। आके मैं जल्दी जल्दी लग गई तो ये फटाफट से मसाला आलू में बॉईल करके गई थी, फटाफट से पोहे को गीला करके ये मसाला उसके लिए कटलेट बना लिया है लंच के लिए। और अब मैं आपको बस इसको टिफिन भेजने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हम क्या क्या सामान लेकर आए हैं मार्केट से। तो चलिए मैं अमन का लंच लगा देती हूँ इस तरह से पोहे के कटलेट में, आप इसको रख रहे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हम मार्केट गए थे आज, तो ये लेकर आए हैं। ये स्टोरेज बकेट जैसा है, इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। तो हम अमन अवनिका की बुक्स वगैरह रखने के लिए इसको लेकर आए हैं। ये देखिए ये 4 बॉक्सेस हैं इसमें तरह से, तो एक में अमन की बुक हम जमा सकते हैं, अवनिका की हो सकती है, और कुछ भी एक्स्ट्रा आपको और जो कुछ रखना हो मतलब वो भी हम इनमें अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से प्रेस करने से ये ओपन होता है, ये वाला तो ओपन ही नहीं हो रहा, देखो। हाँ ये हो गया, ये इस तरह से इसको प्रेस करते हैं और फिर ओपन होता है। ये ऊपर ही वाला हो रहा है, नीचे वाला देखना ज़रा। हाँ ये इस तरह से है, तो हम लोग इसमें कुछ भी आप रख सकते हैं। तो ये तीनों की बुक्स वगैरह रखने के लिए हम लोग लाए हैं। हाँ ये वो बन नहीं रहा होगा शायद, एक हाथ से नीचे, हाँ एक हाथ से नहीं बन रहा था अच्छे से। फिर उसके बाद हम लेकर आए हैं ये कप, क्योंकि थोड़े से चटक गए हैं वो वाले जो यूज़ हो रहे हैं, एक हाथ टूट भी गया है, तो ये इस तरह से हम कप लेकर आए हैं। और फिर हम लेकर आए हैं ये मग, मग भी हमारा एक बार गिर गया था, अपनी निका नहा रही थी तो वो टूट गया एक, तो एक से दो रहना अच्छा रहता है हर चीज़, तो इसलिए वो लेकर आए हैं हम। फिर ये लेकर आए हैं मसाला दानी, देखिए ये तरह से प्लास्टिक की लेकर आए हैं, स्टील की बहुत जल्दी मतलब कहीं टेढ़ी हो जाती है, कहीं कट जाती है अपने आप ही, रखी रखी। तो इस बार मैं स्टील की है पर मैंने ज़्यादा उसको यूज़ नहीं किया है, उसमें भगवान के टीके वगैरह रख दिए हैं, अक्षत और ये सब, तो इसलिए मैं इस बार ये प्लास्टिक का मसालादानी लेकर आई हूँ। फिर उसके बाद ये अपनी निगाह के लिए हम इस टाइप के शूज़ लेकर आए हैं, ये ऐसे हैं, थोड़ा सा इस बार कलर चेंज मिला है हमको, सेम कलर के नहीं मिल पाए हैं, तो ये देखिए दोनों के लिए इस टाइप के लेकर आए हैं। फिर ये कप का मैं आपको दिखा रही थी डिज़ाइन, ये इस तरह के कप लेकर आए हैं 6, तो काफ़ी प्यारे लग रहे हैं ये। तो इस तरह से इतना सामान लेकर आए हैं, और जैसे कि मैंने बताया संडे हम गए नहीं थे तो सब्जी भी लाना था थोड़ी, तो सब्जी भी लेकर आए हैं। अरे कहाँ रख गई ओह यहाँ रखी हुई है सब्जी, ये है, तो थोड़ी बहुत हरी सब्जी लेकर आए हुए हैं, ज़्यादा कुछ तो नहीं लाए हैं इस बार हम लोग अभी, क्योंकि ये संडे फिर जाना ही होगा, तो इसीलिए तो इतना सामान ये लेकर आए हैं। और ये तो बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम से हमको लेना था ये, पर आज आ पाया, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखिए देखने में, और काफ़ी यानी स्पेस भी ज़्यादा नहीं लेगा, क्योंकि अभी जो है ये बुक्स वगैरह हम लोगों ने इनकी ऐसे ही कभी अलमारी के ऊपर रख देते हैं, ये देखिए आप जैसे रखी हुई है बुक्स इनकी। और अमन की भी टेबल अधिकतर इस तरह से फैली रहती है, तो थोड़ा उसमें रखने से अच्छे से सिस्टमेटिकली जम जाएगा। हम ये भी लेकर आए हुए हैं, ये इसके लिए है जो मसाला दानी हम लेकर आए हैं ना, वो मसाला दानी और जो नाइफ वाला स्टैंड है हम इसमें रख देंगे। फिर ये टॉयलेट वाला झाड़ू भी हमारा टूट गया था, प्लास्टिक वाला झाड़ू जो होता है, ये भी मैं लेकर आई हुई हूँ इस तरह से। आज ये जो है आज का पूरा दिन मार्केटिंग में ही निकला है, ये इस तरह से सब सामान लेकर आए हुए हैं।
आपको दिखाया कि क्या क्या आज हम मार्केट से लेकर आए हैं। और चलिए अब 11 o'clock होने ही वाला है, तो अब हम कर लेते हैं अपना और भी मतलब काम जो है, खाना बनाना है, अभी लंच करना है, पूजा भी नहीं हुई है आज क्योंकि अब निहा के जाने के बाद हम लोग डायरेक्ट मार्केट निकल गए। तो अब फ्रेशन अप होके पूजा करके बस फिर लंच की तैयारी करेंगे। ये निका आ चुकी हैं, अब उनको हम दिखाते हैं। ये देखो आपके लिए क्या लेकर आए हैं। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ आओ, इधर बैठो। हाँ, कौन सा किसको कलर चाहिए? चलो ठीक है, रुको रुको, कैसा है? बंधा हुआ, रुको रुको, बंधा हुआ है, खोल रहे हैं, फिर पहनाती हूँ, रुक जाओ। ये देखिए अब निहा दोनों ने ये वाला पहन लिया है। अच्छा लगा? टाइट वाइट तो नहीं हो रहा? हाँ हो गया, ये देखो पहन के बढ़िया। बताओ बता दो अभी ही टाइट है अगर तो। कहाँ दो फैन में जाके हम बता, नहीं ठीक हो रहे हैं, देखो अच्छा, आप एक बार और पहना के बताते हैं। देखो क्योंकि शूज भी तो वैसे ही थे इनके, थोड़ा सा वो है इलास्टिक टाइप है, देखो ना। ठीक है, ठीक है, वो स्ट्रेचेबल टाइप का है। अच्छे लगे? मुनी जो है हमारी गुड गर्ल है, कटलेट खाती है, खाना खाती है वो। दिखाओ मुनी अपना जरा, वेरी गुड, अच्छे लगे। और ये जो है ये खाना ना कुछ नहीं खाती है, इसको सिर्फ मैगी या तो चिप्स वगैरह दे दो, चॉकलेट। दिखाना जरा मुनी, आप भी पूरा नक्शी लगी है। तो फ्रेंड्स आज देखिए हम अभिनिया के लिए लेकर आए हैं ये ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड। तो ये वाइट बोर्ड में ही अब लोग लिखेंगी, ये इस तरह से दिखा रही हूँ मैं आपको, ये वाइट बोर्ड है। इसको अभी हम इसको हैंग कर देंगे कोई वॉल पे इस तरह से। तो ये इसके साथ डस्टर भी लेकर आए हुए हैं, ये देखिए दोनों अपना लगी है मिटाने, रब करने कुछ कुछ। और वाइटनर है, वाइटनर नहीं, मार्कर, सॉरी, ये मार्कर से लिख रही हैं। लिखो तो दोनों, लिखो, क्या लिख रही हो, क्या लिख रही हो? ABCD। ABCD, कैसा लगा वाइट बोर्ड? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, सी, हाँ, डी, अच्छा, ई, फिर ई के बाद, देखा, ई के बाद एफ, हाँ, हाँ, लिखो तो फिर, देखा मेरा, हाँ, जी लाइक, हाँ, एच, हाँ, आई, हाँ, जे, वेरी गुड, फिर ते, वाह, अरे वाह, नीचे और भी लिखते जाओ, और कहीं नहीं लिखोगी, ठीक है, इसी पे लिखा करोगी। हाँ, बोधना हो चाहे पढ़ाई करना हो, जो करना हो सब कुछ इस पे ही करना है। हाँ, तो इस तरह से इन लोग के लिए लेकर आए हुए हैं हम ये वाइट बोर्ड, क्योंकि मैं दिखाती हूँ इन लोगों ने किस तरह से घर की जो दीवारें हैं उसको ही बोर्ड बना के क्या क्या लिखा हुआ है। तो चलिए मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए आप, इस तरह से पूरी दीवारों पे ये लिखा हुआ है इन लोगों ने। दीवार कम लग रही है, बोर्ड ज्यादा दिख रहा है वो, ये देखिए। तो जरा ये पूरा 1 2 3 भी मिलेगा, ABCD भी लिखा मिलेगा आपको, पूरा गोदा गादी भी मिलेगी, इस तरह से सब कुछ लिखा दिखेगा आपको हमारे घर की दीवारों पे। ये अब निका इस तरह से करती रहती हैं कुछ ना कुछ, दरवाजों पे भी किया हुआ है पूरा घर, मतलब ये इसीलिए ये बोर्ड लाना ज़रूरी था, नहीं तो पूरे घर को वो बोर्ड बना चुकी थी। तो चलिए अब इसमें ही लिखना है दोनों को। तो इस तरह से देखिए आमन भी आके दोनों बहनों को कितने अच्छे से पढ़ा रहा है ये वाइट बोर्ड में। तो ये देखिए तीनों भाई बहन कितने अच्छे से बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ये 1 2 3 लिखा रहा है उनको।
तो फ्रेंड्स आज का हमारा ये वीडियो यहाँ पर ही एंड होता है। जो भी आज हमने मार्केटिंग की, जो भी कुछ किया, वो सब आज हमने आपको दिखाया अपने ब्लॉग में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। जो भी पार्ट, जो भी चीज़ अच्छी लगती है तो आप उस पर कमेंट ज़रूर करिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल ट्विन अवनिया को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।